ये एक कन्नड़ हॉरर फिल्म का नाम है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म को KS अशोका ने निर्देशित किया है। यह स्टोरी 6 दोस्तों की दर्दनाक भरी कहानी के बारे में बताती है जब वो कर्नाटक के किसी जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। इस फिल्म को 1999 की अमेरिकी स्वतंत्र फिल्म द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट 3 से प्रेरणा मिली थी। ये कन्नड़ में पहली बार मिली फुटेज फिल्म है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ रियल स्टोरी 6-5=2 की खतरनाक और दर्दनाक घटना के बारे में। इस कहानी की शुरुआत में 6 दोस्त हर्ष, राजा, प्रिया, भानु, सिद्धार्थ और सुहाना कर्नाटक के किसी जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। ट्रैकिंग के दौरान एक एक पल भानु अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वो लोग खतरे को दावत देते हैं। रात में जब ये लोग एक जगह कैंप लगाकर रात गुजारा कर रहे होते हैं तो कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। इन्हें वहां एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारी खोपड़ियां लटकती मिलती हैं। इनमें से एक खोपड़ी भानु अपने बैग में रख लेता है। अगले दिन आगे बढ़ने से पहले राजा की तबीयत खराब हो जाती है, इस वजह से उन्हें उसे वही छोड़ना पड़ता है और वो आगे चले जाते हैं। और फिर वे 5 दोस्त जब वापस लौटते हैं तब रास्ता भूल जाते हैं और फिर एक एक कर रहस्यमय तरीके से इन सबकी मौत होने लगती है। और इसका खुलासा भानु के कैमरे से होता है जो इस घटना के दौरान चालू था और इस कैमरे ने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। इस मूवी का नाम 6-5=2 इसलिए है क्योंकि 6 दोस्तों की कहानी है जिसमें 5 दोस्त मर जाते हैं और एक बचता है। फिल्म के शीर्षक 6-5=2 में 2 का मतलब एक आदमी जिंदा बचता है और दूसरा कैमरा है जो जंगल में लौटा है और जिसने ये कहानी कैद की है। Thanks for watching.